नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में होने वाली चुनावी सभा को लेकर रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष और भागलपुर विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे समेत कई कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हवाई अड्डा मैदान में होने वाली चुनावी सभा की तैयारियों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद और आरजेडी कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार की क्या स्थिति रही है वह किसी से नहीं छुपा, जबकि भाजपा जेडीयू के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के साथ सुशासन का राज कायम किया है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर है और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा है। बिहार चुनाव में सीट जीतने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि केवल भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के प्रमुख दल जेडीयू को भी मोदी जी की लोकप्रियता का लाभ मिलेगा और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी इसकी पूरी उम्मीद है। वहीं प्रवासी मजदूरों के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए काफी सराहनीय कार्य किया और अब भी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बीमारू राज कहे जाने वाले बिहार में एनडीए के कार्यकाल के दौरान विकास की गति तेज हुई और अपराध एवं भ्रष्टाचार से अब कोई समझौता नहीं किया जाता है। एनडीए बिहार को आगे ले जाएगी, जिससे बिहार के रोजगार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिससे विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भागलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी और गठबंधन एकजुट होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सिल्क टीवी को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।